जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड को डिस्कशन करने जा रहे हैं। वजह है कंपनी का राइट इशू, कल लास्ट डेट है। यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसके बारे में चर्चा होगी। राइट इशू के बारे में और भी तमाम अपडेट है जो मैं आपको दूंगा। साथ में पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था, प्राइस काफी तेजी से नीचे आ रहा था, तो मैंने जो एग्जैक्ट लेवल बताया था एकदम प्राइस वहीं पर आकर ठहरा और वहीं से प्राइस फिर ऊपर की तरफ घूम गया। जो प्राइस गिरते हुए आ रहा था ऊपर की तरफ घूम गया। इसके बारे में बताऊंगा कितना हमारा एनालिसिस सही होता है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत गिरावट आज देखने को मिली तो एक आदमी की गिरावट से आपको घबराना नहीं है, तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। लंबी अवधि में इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कैसी कंपनी, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। पहले चलते हैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर, जहां पर बात होगी सिर्फ अभी पहले राइट इशू की। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर, और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया राइट इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी को। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये स्टॉक यहाँ पे एसएम स्टेज वन में दिखने को मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। एकदम मतलब कंपनी कहते हैं ना कि स्मूथ गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक एकदम ऐसे ही इंडियन इंफोटेक बिना किसी बाधा के अब कंपनी आगे की तरफ बढ़ रही है। कोई रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी में लोअर सर्किट भी नहीं लगा। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, पिछली बार जहाँ यहाँ पे आपको तमाम जगह लोअर सर्किट लगते हुए दिखाते हैं, अब कहीं भी आपको लोअर सर्किट नहीं दिखेगा। अपर सर्किट यहाँ पे देखेंगे तो आपको टच करते हुए दिखेगा 7 करोड़ के दिन, यानी कि जो बुरे दिन थे तो चले गए हैं। और राइट इशू की बदौलत, क्योंकि अब राइट इशू क्लोज भी होने वाला है, तो ये एक अच्छी खबर आई थी राइट इशू के लिए। इसके जरिए जो कंपनी ने फंड उठाया उसका फंड अब कंपनी अपने विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए करेगी, तो इसके बदौलत भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आते हुए दिखेगी। यहाँ पर आए हम लोग कॉर्पोरेट एक्शंस में। यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने राइट इशू का अनाउंसमेंट किया था। राइट इशू 29 जनवरी के पहले मतलब रिकॉर्ड डेट रखा गया था 29 जनवरी को। 29 जनवरी के पहले तक जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स थे वो लोग राइट इशू के लिए एलिजिबल रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल में बताया था 13:50 का कंपनी ने राइट इशू जारी किया था, और इस राइट इशू जरिए कंपनी तकरीबन 41 करोड़ 83 लाख रुपया इस राइट इशू के जरिए कंपनी ने मार्केट से उठाया है। हालांकि राइट इशू ओपन ही है, कल 13 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। अब देखिए जिसके पास भी राइट इंटाइटलमेंट के शेयर्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वो क्या करेंगे, कल लास्ट डेट है, जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई नहीं कीजिएगा तो इससे आपको ही नुकसान होगा। देखिए राइट इशू का मतलब हुआ कि इसका जो पहला राइट्स है इस पर वो शेयर होल्डर्स का है। आप कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आप कंपनी के इशू कर दो के साथ ही हैं, तो जब कंपनी राइट इशू लेकर आई है तो बेशक उसमें भाग लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही आता है। राइट इशू में अप्लाई करनी चाहिए, इससे तो क्या होगा, तो शेयर प्राइस सस्ता मिल रहा है। राइट इशू में क्या है कि अभी मार्केट में शेयर प्राइस तकरीबन 2.5 रुपये के आसपास चल रहा है, और ये जो आरई शेयर है इसका प्राइस चल रहा है 1.60 रुपये, यानी कि 40% कम प्राइस पे आपको कंपनी शेयर्स दे रही है। तो जाहिर सी बात है जब कम पैसा में शेयर्स मिल रहा है तो आपको उसमें बाई करने में क्या दिक्कत है। बाई कर लीजिएगा तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो भी कम हो जाएगा, और एवरेज प्राइस जितना कम रहे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। यहाँ से जब प्राइस शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, आपको एवरेज प्राइस है, तो जाहिर सी बात है आपको मुनाफा ही होगा। इसलिए राइट इशू में जरूर अप्लाई करना चाहिए। कल इसका लास्ट डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है 13 फरवरी, आप जरूर इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। नहीं तो फिर शेयर प्राइस का एडजस्टमेंट होगा, प्राइस कम हो जाएगा, तो फिर आप ही रोना रोएंगे कि मेरा प्राइस क्यों कम हो गया। तो इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में, राइट इशू के बारे में जो भी अपडेट था मैंने वहाँ पे दे दिया, आपको क्या करना है टोटली अब आपके हाथ में है। अब बाकी न्यू डिटेल्स के बारे में समझते हैं, ताकि यदि नया व्यक्ति भी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। काम के बारे में सभी जानते हैं कि NBFC कंपनी, यानी कि एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, जो बेसिकली आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है और थोड़ी बहुत ये ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर्स की खरीद फरोख से पैसा कमाती है। कंपनी के पास पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी फंडामेंटल भी कंपनी का ठीक ठाक है, तकरीबन 350 करोड़ के आसपास कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन है। पी काफी देखिए मतलब एक सामान्य तो छोटी कंपनी का पी इतना सस्ता नहीं होता, यहाँ पर पी सस्ता यानी कि वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का जो शेयर प्राइस है यह भी ठीक है। बाकी लेवल देखेंगे हम चार्ट पर, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो यह भी माइनस में नहीं है, 1% होता तो बढ़िया होता, लेकिन जैसे जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी के नंबर बढ़िया आएंगे तो कंपनी का जो ROE है वह भी बेहतर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब मैं पिछली बार वीडियो बना रहा था तो यही प्राइस नीचे आ रहा था, तो मैंने बताया था कि ये प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक नीचे आ सकता है 2.40 रुपये तक, क्योंकि यहीं पर इसका एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा था। पहले भी देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी सपोर्ट लेके यहीं से प्राइस एकदम आके फिर ऊपर गया था, तो जाहिर सी बात है पहले यहाँ पर आगे सपोर्ट लिया फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत फिर प्राइस घूमते हुए दिखा, लेकिन इसे घबराना नहीं है। राइट इशू शेयर राइट इशू क्लोज हो रहा है, इसके बाद प्राइस यहीं से फिर घूमेगा, थोड़े बहुत करेक्शन देखिए करेक्ट टाइम प्राइस नीचे आएगा, उससे घबराना नहीं है। ये प्राइस करेक्ट करेगा थोड़ा सा फिर इसके बाद ऊपर निकलेगा, तो इजीली आपको कम से कम ये 3 रुपये के ऊपर निकलेगा ही, और फिर आपको 4-5 रुपये जाते हुए दिखेगा। लेकिन पिछले 10 साल का हम लोग इतिहास देखें तो पिछले 10 साल के इतिहास में देखेंगे इसका जो सबसे लंबा पिछली बार जो हाई लगाया था तकरीबन 2021 के करीब ये 10 रुपये करीब लगाया था, तो 3 रुपये से जब प्राइस ऊपर निकलेगा तो सबसे पहले इस लेवल के आसपास आएगा 4 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस है। 4 रुपये के आसपास समय बिताएगा, उस समय के माहौल के साथ सब चीज़ ठीक रहा तो प्राइस फिर ऊपर निकलेगा और इजीली आपको कम से कम 10 रुपये तक जाते हुए ये दिखेगा। बहुत शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में समझा शेयर प्राइस आपको 3 रुपये के ऊपर निकला इजीली, सॉरी 4 रुपये के ऊपर निकला तो आपको
10 रुपये तक इसका प्राइस जाते हुए दिखेगा। और चूंकि मुझे लगता है कंपनी के जैसे फंडामेंटल बेहतर हो रहे हैं और जो राइट इशूज और कंपनी तमाम इस तरह के अपडेट्स लगा रहे हैं उसके बदौलत कंपनी इसका जो शेयर प्राइस है वो आपको रुकने वाला नहीं है, लंबी अवधि में और लंबा ही और ऊपर ही जाते हुए आपको दिखेगा। बैलेंस शीट में जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी के पास कर्जा नाम मात्र का है, कर्जा है ही नहीं, तकरीबन 30 लाख के आसपास कर्जा है। 30 लाख का कर्जा कौन सी बड़ी कर्जा होते हैं। कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो होते हैं वो देखिए वो लगता है 136 करोड़ हो गया, बढ़ गया जो कि पिछले में 129 था उसके पहले 128 था, यानी कि जो फ्री कैश फ्लो होते हैं कंपनी का वो बढ़ते जा रहा है और कर्जा है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो सोकल उसके पास आ रहा है और प्लस राइट इशू जो कंपनी पैसा उठाया उसका जैसे मैंने बताया कि उसका यूज कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस को फायदा होगा, कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो इंडियन इन्फोटेक के बारे में जानकारी थी मैंने आपको दे दी, इससे रिलेटेड मन में कोई भी सवाल है कन्फ्यूजन है कमेंट में जरूर पूछेगा। व्यक्ति की तरफ से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।